तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूँ टेक्नीशियन बाबा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं जो 4G फोन को हम 5G कैसे बना सकते हैं, जो बहुत सारी वीडियो एंड एप्लीकेशन है ये कैसे काम करते हैं, इसमें क्या कुछ होता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। क्या हम अपने 4G फोन को 5G बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, उसके बारे में कैसे ये लोग वीडियो में दिखा दे रहे हैं कि हम 4G फोन को 5G बना देते हैं तो APN सेटिंग के थ्रू, तो वो कैसे हम काम करता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के अपना शुरू करते हैं वीडियो। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे हम अपने 4G फोन को 5G बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, कौन से फोन में ये ट्रिक काम करेगी, कैसे काम करेगी, तो उसके बारे में हम सारा देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 4G एंड 5G में। देखो बहुत बड़ा अंतर होता है क्योंकि उसके लिए पूरा प्रोसेसर ही चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर प्रोसेसर में 5G बैंड है, वह 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तभी वह 5G को एक्सेप्ट कर पाएगा, उसके नेटवर्क को, उसकी फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर ला पाएगा। नहीं तो पहली बात तो वो 5G नेटवर्क, उसमें 5G जो है सिम ही नहीं सपोर्ट करेगी। जैसे 3G फोन था उसमें जब 4G जियो 4G आया था तो नहीं सपोर्ट करता था, उसी प्रकार नहीं करेगा, या तो करेगा भी तो सिम को अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो जब हम उसको अपग्रेड करेंगे तो पहली बात तो हमारे फोन में सपोर्ट नहीं करेगा, वही 4G बैंड है जब फोन के अंदर, तो 4G नेटवर्क को ऑपरेट करेगा और उसी सिस्टम पे चलेगा। तो जो ये वीडियो में दिखाते हैं आप लोगों को कि ऐसा हम कर देते हैं APN सेटिंग के थ्रू, ऐसा यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा फोन जो 5G बन जाएगा 4G, तो ये सरासर आपको झूठ दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, जो एप्लीकेशन दिखाते हैं इसमें भी सारा झूठ होता है। ऐसे एप्लीकेशन से बचे आपके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि जब आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं फोन के अंदर तो बहुत सारे परमिशन मांगते हैं, जिससे आपके डाटा को जो है वो चोरी भी हो सकता है, क्योंकि ये अप्रूवल भी नहीं होते हैं, ये सब छोटी मोटी रकम लेके आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ दे देते हैं थर्ड पार्टी ऐप को। तो ऐसे ऐप को भी इंस्टॉल नहीं करना है, ना कोई ऐसी सेटिंग है कि आपके 4G फोन को 5G बनाया जा सकता है। अगर आपका प्रोसेसर में 5G बैंड है, वो नया प्रोसेसर है और 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तब आपका फोन 5G है। क्यों? क्योंकि पूरा प्रोसेसर ही चेंज हो जाता है उसमें। और अगर ये जो दिखाते हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम फोन का प्रोसेसर चेंज ही नहीं कर सकते हैं, जिस प्रोसेसर पे आता है फोन उसी पे चलता है, और ना प्रोसेसर खराब होता कि हम उसको चेंज करा सकते हैं। आज तक अभी ऐसी कोई मोबाइल में दिक्कत भी नहीं आई प्रोसेसर चेंज करना पड़े, प्रोसेसर चेंज ही नहीं होता है कि उसमें हम 5G के बैंड भी सेट कर देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसे वीडियो से बचे। मैंने देखा उस पे अच्छे खासे व्यूज भी है कि हम कैसे अपने उसको 4G फोन को 5G बना सकते हैं, तो ऐसी वीडियो से आप लोग बचे, ऐसी वीडियो देखें ही ना, क्योंकि ऐसे यूट्यूबरों को बढ़ावा मिलता है और वो उनको और ज्यादा मजा आता है, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है ऐसी वीडियो पर। तो बिल्कुल ऐसी वीडियो ना देखें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।